निकल रहा हूँ ना एसआर में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दोस्त आज मैं बताऊंगा कि मैं अपने चैनल के लिए दूसरा लोगो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने अपने चैनल का पहले लोगो लगा रखा है, और आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने पहले किस तरह का लोगो लगा रखा है, और मैं अब अपने चैनल पे चेंजिंग करूंगा अपने लोगो की। तो मेरे दोस्त, जैसे कि आपको अगर अपने चैनल के लिए लोगो बनाना है, माय चैनल, अगर आपको अपने चैनल का लोगो बनाना है तो किस तरह से आपको अपने चैनल का लोगो बनाना होगा, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को बने रहे, मैं आज पूरी प्रोसेस करके बताऊंगा आप न्यू 2020 के लिए लोगो बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। नया चैनल क्रिएट किया है तो आप कैसे कैसे लोगो बना सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा लोगो बनाने का फुल आसान तरीका। तो मेरे दोस्त, जैसे कि आज मैं बताने वाला हूँ कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी कि आप लोगो बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त, जिससे कि आप अपना वीडियो का थंबनेल बनाओगे पीसी एड से, मतलब जैसे कि मेरी ये एप्लीकेशन आई है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पे मेरी ये एप्लीकेशन है, मैं इससे पीसी एड से मैं अगर अपने ही थंबनेल भी बनाता हूँ और अपने इसी से मैं अपने चैनल का लोगो बनाऊंगा। तो मैं दोस्त, आपको भी अगर अपना चैनल का लोगो बनाना है और अपने थंबनेल बनाने हैं तो इसी से बनाए। मैंने अपनी वीडियो काफी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं थंबनेल बनाता हूं और किस तरह से पीसी एड से मैं थंबनेल बनाता हूं और किस तरह से फोटो भी एडिटिंग कर सकते हैं आप, इससे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर छोटी वीडियो है, और नहीं तो आप काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल के लिए माय चैनल या लोगो आपको बनाना है, तो मेरे दोस्त जैसे कि आपको क्या करना होगा, पीसी एंड को ओपन करना होगा। जैसे कि मैं पीसी एंड को मतलब है ओपन कर लेता हूं, इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे कि अभी वेट करना, मेरे दोस्त जैसे कि इस तरह से इंटरफेस खुला तो आपको सिर्फ क्लिक करना है, ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। जब इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा तो आपको यहाँ नीचे प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। प्लस वाले पे निशान पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे रंग मतलब कि कोई भी पेपर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइट मतलब सेलेक्ट किया। वाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि ये हैगा नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे मेरे चैनल का नाम है टैग निकल, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टी डाला और टी डालने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इस तरह से आ गया। मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे रेड कलर में कर दिया, रेड कलर को इसको मैं खींच के थोड़ा लंबा कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा किया, यहाँ पे लंबा करने के बाद जैसे कि आपने हर चैनल में देखा होगा इसको कटआउट करते हैं, जैसे कि काटते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड फोटो दिख रहा होगा, आप ऐड फोटो पे क्लिक करके आप जो पेपर आपका फॉर्म मतलब सफेद कलर में होगा वो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इसको छोटा कर लें, जैसे कि छोटा कर लेंगे आप तो फिर इसको घुमा लें, जूम कर लें। जूम करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, जिस तभी आपको रखना होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। जैसे कि मेरे दोस्त, यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि मेरे दोस्त मैंने आपको ने देखा होगा कि मैंने टी को कितनी बेहतरीन तरह से बना दिया लोगों के लिए, सेट कर दिया। जैसे कि मेरे टेक्निकल रोना एसआर चैनल का नाम है, तो मेरे दोस्त फिर मुझे आपको क्या करना होगा, आपका अगर चैनल का कुछ और नाम है, आपको लास्ट नाम रखना है या फर्स्ट मतलब जैसे कि पहल का अक्षर रखना है और लास्ट का अक्षर रखना है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे लास्ट के और पहल के अक्षर को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल रोना एसआर, तो मैं यहाँ पे एसआर लास्ट का फॉर्म डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिर इसको नेक्स्ट मतलब क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको ब्लैक मतलब कलर को फिर चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरे दोस्त वेट में जरा थोड़ा सा वहाँ से सेट से हट गया है। यहाँ पर जैसे कि आपने ये देखा होगा आपके ये एसआर भी आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। जैसे कि इसको थोड़ा सा और एसआर को खींच के बड़ा कर लें। जब आप इसको खींच के बड़ा कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फिर से फोटो ऐड पे क्लिक करना होगा। फोटो ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर को आपको पेपर को एक ले लेना है, पेपर फॉर्म कर लेना, फिर आपको इसको घुमा देना है। घुमाने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लें। छोटा करने के बाद इसको आप यहाँ पे काट दें। तो देखा कि एस भी कितना, थोड़ा इसको नीचे कर लें क्योंकि हम टी से बराबर रखेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से काट दिया। तो मेरे दोस्त जैसे कि यहाँ पे एस भी कट चुका है तो कितना बेहतरीन लग रहा है। फिर आपको एक जगह अगर और भी काटना है, जैसे कि मैं आपको अपने लोगो सेलेक्ट करके दिखा दूँ यहाँ पे, तो मेरे दोस्त जैसे कि मैं इसको छोटा और कर लेता हूँ। सॉरी दोस्त,
थोड़ा सा सेटिंग से हट जाता है, जैसे कि मैं इसको यहाँ फिर से इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं घुमा लेता हूँ। घुमाने के बाद यहाँ पे फिर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं खींच लेता हूँ नीचे को। खींचने के बाद मुझे ये आर एस पे रहने देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आर एस पे रहने दिया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन आपको लोगो लग रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप अपने चैनल का लोगो बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपको अगर यहाँ पे अपना चैनल नाम डालना है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल रोना ऐसा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया, नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर मेरे को ये मिला। मैंने इसको खींचा, खींच के थोड़ा सा लंबा किया और मैंने यहाँ पे इसको कोई सी और उसमें पहुँचा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर नाम डाल दिया, यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसे कि मेरे देख रहे होंगे आप कि लोगो कितना बेहतरीन बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको भी इस तरह से लोगो बनाना है अपने चैनल के लिए, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग यूट्यूब से रिलेटिव बातें मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।